स्थानीय पाईवल्ड स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, सम्मानित अतिथि डीएसपी आईपीएस शुभांक मिश्रा, मुख्य पार्षद वीना देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती, पूर्व मुख्य पार्षद गुंजन सिंह, समाज सेवी रेवती रमन सिंह उर्व टुनटुन सिंह, वाहिद अंसारी पाईवल्ड स्कूल के ट्रस्टी आर सिन्हा, निर्देशक कार्तिक सिंह ने सम्मिलित रूप से किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छात्र छात्राओं ने मनमोहक मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रस्तुति दी, जिसमें कि जल संरक्षण, परीक्षा समय के बचाव को दूर करने के लिए जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देशभक्ति एवं सामाजिक कुरीतियों के लिए जागरूकता एवं सकारात्मकता दिखाते हुए बच्चों ने अपने कला का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि डीएसपी आईपीएस शुभांक मिश्रा ने अपने वक्तव्य में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि एक अच्छे नागरिक बनते हुए पठन पाठन के साथ साथ वह हर क्षेत्र में आगे आए और अपना सर्वांगीण विकास करते हुए अपने क्षेत्र का और समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन करें। पाईवल्ड स्कूल के निदेशक कार्तिक सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय परिवार प्रतिबद्ध है तथा हर क्षेत्र में विद्यालय के बच्चे अव्वल कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सबका आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा अघोरी नृत्य, बारबी नृत्य, जंगल बुक, भारतीय पर्व, चुलबुल पांडे जैसे प्रसंग पर प्रस्तुति देकर दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। ये पाईवल्ड स्कूल का चौथा एनुअल प्रोग्राम है और आप लोग यहाँ भीड़ देख लिए, बहुत ही शहरवासी को इतना ज़्यादा प्यार, ये हम लोग के लिए बहुत ही उत्साहजनक चीज़ रहा और ये मोटिवेशनल हुआ। यहाँ के पेरेंट्स आके हमें मोटिवेशन दिए और हमको आगे हम लोग और अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। और क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए कल इंग्लिश का पेपर है, उसके लिए हम सब स्टूडेंट को, जिलावासी के सारे स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट देना चाहते हैं। और उम्मीद है कि पिछले बार भी हम लोग 98% ला के जिला में टॉप किए थे और आगे भी हम लोग अपने बच्चे को टॉप करने का उत्साह देते हैं।